हेलो देयर गाइस, वेलकम टू माय चैनल Dream2Animate। आ गया हूं मैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने 3D एनिमेशन एंड स्टॉप मोशन के बारे में बताया था। जो अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा वो जाके देख ले। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जहां मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन के बारे में वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं 2D एनिमेशन के बारे में बात करूंगा। 2D एनिमेशन मेरा स्पेशलिटी है। 5 साल से भी ज्यादा वक्त तक मैं 2D एनिमेशन बनाता रहा हूं। तो 2D एनिमेशन के ऊपर कुछ भी सवाल हो तो आप लोग दिल खोल के पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Dream2Animate। 2D एनिमेशन में मेरे लिए बोलने को इतना कुछ है कि अगर मैं सब बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। मैं बात करूंगा 2D एनिमेशन क्या है, 2D एनिमेशन का शुरुआत कहां से हुआ था एंड 2D एनिमेशन में कौन सी एनिमेशन आती है और उनके ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो पहले बात करते हैं 2D एनिमेशन क्या है। 2D मतलब टू डायमेंशनल एनिमेशन। तो हम अपने ड्राइंग से या किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी 2D ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को जब मूव कराते हैं तो उसे ही 2D एनिमेशन बोलते हैं। इसमें कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड्स के सिर्फ हाइट एंड वाइड ही होते हैं, उनमें कोई डेप्थ नहीं होता, इसीलिए 2D एनिमेशन देखने में फ्लैट लगता है। इसमें मेनली एनिमेशन ड्राइंग करके बनता है, बट कुछ 2D एनिमेशन स्टाइल में ड्राइंग की जरूरत नहीं होती। तो अमील कोल ईयर 1908 में फैंटस मगोरी नाम का एक 2D एनिमेटेड फिल्म रिलीज किया था, जो कि फर्स्ट 2D एनिमेटेड फिल्म माना जाता है। इसमें टोटल 700 से भी ज्यादा इमेजेस ड्रॉ करके बनाया गया था। और फिर 1928 में बनाई गई स्टीमबोट विली फर्स्ट 2D एनिमेशन है जिसमें साउंड इफेक्ट भी था। उसके बाद और भी बहुत सारे 2D एनिमेशन बनने लगे, जैसे वर्ल्ड डिज्नी का मिकी माउस, डोनाल्ड डक, हैना बर्बेरा स्टूडियो का फ्रेड फ्लिंस्टोन, स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी से लेके आज का छोटा भीम, किट क्रिस एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ 2D एनिमेशन के ऊपर। फर्स्ट जहां से 2D एनिमेशन शुरू हुआ था वो है ट्रेडिशनल और क्लासिकल 2D एनिमेशन। यहां पे एनिमेटर मतलब जो एनिमेशन बनाता है वो हर एक फ्रेम को ड्रॉ करके बनाता है। इसमें ड्रॉइंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन बनाने के लिए लाइट बॉक्स यूज होता है। लाइट बॉक्स एक डिस्क जैसी होती है जिसके अंदर एक लाइट रहती है। लाइट बॉक्स के ऊपर पेपर रख के एनिमेटर्स ड्रॉ करते हैं। इसमें पिछला ड्राइंग कैसे बनाया था देखने में आसानी होती है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ड्राइंग बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह बहुत सारे फ्रेम्स ड्रॉ करके ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन बनाया जाता है। मिकी माउस, डोनाल्ड डक, स्कूबी डू, पुराना टॉम एंड जेरी, ये सब कुछ ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन का एग्जांपल है। नंबर 2 पे आता है फ्लिप बुक एनिमेशन। ये भी ट्रेडिशनल एनिमेशन की तरह ही ड्राइंग करके बनाया जाता है। इसमें बनाने के लिए एक नोटबुक लेके उसके पेजेस पे ड्राइंग करते हैं। जब आप नोटबुक के पेजेस को वेरी क्विकली फ्लिप करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्राइंग किया हुआ ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा और फ्लिप बुक एनिमेशन बन जाएगा। तो आप भी घर पे इस टाइप का एनिमेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। इसमें एक व्हाइट बोर्ड लेके उसके ऊपर मार्कर पेन से ड्रॉ करके एनिमेशन बनाया जाता है। ये एनिमेशन कुछ हद तक 2D एनिमेशन भी है और स्टॉप मोशन भी है। स्टॉप मोशन एनिमेशन की तरह इसमें भी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके उसका पिक्चर लिया जाता है, देन उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सिक्वेंस वाइज प्ले करके वीडियो बनाया जाता है। आजकल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी डिजिटल एनिमेशन बन गया है, which leads me to the next type, digital 2D animation। मतलब कि जो एनिमेशन कंप्यूटर में बनाया जाता है। इसके लिए एक कंप्यूटर, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर और एक पेन टैबलेट लगता है। बहुत सारे 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, उनमें से मैं Adobe Animate CC यूज करता हूँ और मैं इसके ऊपर ही ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए। पेन टैब के बारे में पहले ही एक वीडियो में 3 things need to make animation में बताया था।
फिर भी आप लोगों को अगर पेन टैबलेट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो कमेंट में जरूर बताइए। डिजिटल 2D एनिमेशन का एग्जांपल है छोटा भीम, किट क्रिस एटसेट्रा। नेक्स्ट है मोशन ग्राफिक्स। इसमें बेसिकली जो ग्राफिक्स डिजाइन होते हैं या कोई टेक्स्ट होता है उनको एनिमेट किया जाता है, मतलब मोशन दिया जाता है। मैं जिस टाइप का वीडियो बनाता हूँ मोशन ग्राफिक्स कुछ उसी तरह के होते हैं, बट वो और भी ज्यादा स्मूथ होते हैं और मेनली एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस टाइप के एनिमेशन के लिए आपको ड्राइंग आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है नॉन ड्राइंग पर्सन के लिए जो डिजिटल एनिमेशन सीखना चाहते हैं। ये एनिमेशन मेनली यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट को या कंपनी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा यूज होता है। मोशन ग्राफिक्स में जब सिर्फ टेक्स्ट को यूज करके उसे एनिमेट किया जाता है उसे टाइपोग्राफी एनिमेशन भी बोलते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D एनिमेशन। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट पे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज कृष्णा एंड आई एम साइनिंग आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।